और ये यहाँ पर आई, इनको सपोर्ट किया, और जब इनके पास में ऑटो से घूमती थी तो सब, मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन उन्होंने बोला है तो अब मीडिया में बोलूंगा, इनको सपोर्ट करना, इनको खाने पीने के पैसे तक मैंने दिए और मैंने इनको सपोर्ट किया हर तरीके से। जब ऐसी में सामने आती है, जब आपसे लालचल लगते हैं जी, तब क्या माइंड में आता है, क्या जब ऐसे लालचल लगते हैं तो अंदर से बुरा लगता है। सलमान भाई ने बोला हमेशा कि नेकी कर और दरिया में डाल, हम नेकी करके दरिया में डाल दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सुनेंगे, कि हम मेहनत भी करें, हम आपको काम भी दिलाए, उसके बाद में कुत्ता भी सुनने को मिले, और लोगों के आप जो चीज एक जगह खत्म हो गई उसको आप दोबारा उखाड़ रहे हो 10 साल के बाद, तो थोड़ा सा ग्रो आप, नया नया पैसा मिला है तो नया नया फेम मिला है तो बेटा उसको झेलना सीखो, यू नो ये सरकारी महकमे आपके आगे पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, ऐसा अपने दुश्मन और मत पालो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिसके लिए आए हो आप कलाकार हो, आप अपनी कला को आगे बढ़ाओ और अपने अपने डांसिंग स्किल्स भी तो बहुत अच्छी हो, जो काम तुम्हें अच्छा आता है वो करो, और हिंदी प्रॉपर बोलना सीखो, यू नो भाषा मातृभाषा, और अच्छी हीरोइन बनने की कोशिश करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। लाइमलाइट पाने के लिए तो लड़कियां आजकल कैसी कैसी ड्रेसेस पहन के, सी थ्रू ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं, लाइमलाइट पहनने के लिए लोग नंगे हो रहे हैं, तो लाइमलाइट पहनने के लिए मैं थोड़ा नंगा होकर गाली देने लगूंगा, मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ कि भैया आपने हमें हमारे बारे में ये बोला, हम जनता को बताना चाहूंगा कि नोरा फतेही को पहला ब्रेक मैंने दिया है, पूरी इंडस्ट्री जानती है, कमल सदाना से आप पूछ सकते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर आफिस नजवी यू नो पूरे प्रोडक्शन से आप पूछ सकते हैं, जो जानते हैं नोरा को इंडस्ट्री में लाने वाले निकुली मिर्जा है, और मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं इंडस्ट्री का कोई सुपरस्टार हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी और बड़े मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, अगर किसी ने बुरा भी किया तो इग्नोर करके आगे निकलता हूं, मेरे साथ ही बहुत सारी चीजें होगी। बिग बॉस के आते हम लोग, सपोर्ट किसे कर रहे हो आप? मैं साजिद खान को सपोर्ट कर रहा हूं। अर्चना अली भाई, एक सवाल मेरा है कि आपने भी शाहरुख खान की तारीफ की है, बाकी एक्ट्रेस की तारीफ की, मैं जानना चाहता हूँ पठान की जो कंट्रोवर्सीज है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है?